मैं मंशा दे आप सभी का दूरदर्शन की ओर से स्वागत करती हूँ। आज हिंदी दिवस समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इस अवसर पर राजभाषा पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा। कोई भी भाषा सिर्फ शब्दकोश नहीं होती, ये एक सांस्कृतिक यात्रा भी होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की सांस्कृतिक यात्रा भव्य और विलक्षण होने के साथ साथ रोमांचक भी है। इसके बहुत सारे आयाम हैं। अगर हिंदी की जुबान में कहूं तो यही कहूंगी कि मैं आपकी अपनी हूं, सरल हूं, सहज हूं। विज्ञान भवन में प्रतीक्षा हो रही है माननीय राष्ट्रपति महोदया की। हिंदी सद्भावना की, संभावना की और प्रेम की भाषा है। इसमें दिव्य शक्ति है। इस वक्त मुझे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। यहां पर विज्ञान भवन में जिन लोगों को पुरस्कार आज मिलने वाले हैं वो लोग यहां पर मौजूद हैं, गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी ने देश के भविष्य के लिए, देश की एकता के लिए, अस्मिता के लिए हिंदी को ही राष्ट्र की संपर्क भाषा माना। भारतेंदु जी ने सूत्र रूप में कहा कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक निबंध में लिखा है, जिस हिंदी भाषा के खेत में ऐसी सुनहरी फसल फली है, उस भाषा की स्वाभाविक उर्वरता हमेशा अमर रहेगी। वहां खेती के सुदिन आते ही रहेंगे और पौष मास में नवान्न उत्सव होगा। हिंदी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है। ये किसी प्रदेश या क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि समस्त भारत की भारती का रूप है। एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूंगी। महात्मा गांधी ने अनुपम काव्यात्मक शब्दों में एक बार कहा था कि हिंदी ऐसी है मानो मान सरोवर से निकलती हुई गंगा का प्रवाह सूर्य की किरणों से सोने की तरह चमकता है। बहुत खूबसूरत सी बात कही उन्होंने। और ये विज्ञान भवन प्रतीक्षारत माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यहां पर कुछ ही देर में मौजूद होंगी और उनके कर कमलों द्वारा राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुझे याद आता है सदियों पुराना अमीर खुसरो का फारसी में ये कथन कि मैं हिंदी की तूती हूं, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और सच कहा जाए तो हिंदी भाषा आजादी की लड़ाई की आग में तपकर निखर चुकी थी। उस वक्त जिस वक्त हमें आजादी मिली थी, गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की मान्यता थी, चरहूं जो सांचो निज कल्याण, जो सब मिली के भारत संतान, जपहूं निरंतर एक जबान, हिंदी और हिंदुस्तान। आज दुनिया के करीब 115 शिक्षण संस्थानों में हिंदी का अध्ययन होता है और हिंदी भारत समेत 132 देशों की कुल 80 करोड़ से अधिक लोगों की जुबान है। ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर है। और आज हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी और हिंदी सिनेमा की जुबान बनकर घर घर तक पहुंच भी गई है। और दुनिया की करीब, जैसा कि मैंने जिक्र किया, 115 शिक्षण संस्थानों में हिंदी का अध्ययन होता है और अमेरिका में 32 विश्वविद्यालयों में और शिक्षण संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जाती, कई सारे देशों में, क्योंकि कई देश जो हैं वो भारत की संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो भारत के ग्रंथों का, रचनाओं का उन्हीं की भाषा में उन्होंने अनुवाद करवाया है। लोगों में हिंदी सीखने की ललक है वहां बाहर विदेशों में भी।
और विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन का प्रमुख विषय है हिंदी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राष्ट्रभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने, हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण और महत्वपूर्ण रिश्ते को और गहराई व मान्यता प्रदान करने के लिए और हिंदी की विकास यात्रा का आकलन करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों की श्रृंखला भी शुरू हुई है, और इस बारे में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी पहल की थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में संपन्न हुआ था, और मैं आपको बता दूं कि अब तक 7 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। तो आज यहां पर विज्ञान भवन में हम सब एकत्रित हैं यहां पर, और राजभाषा पुरस्कार यहां पर प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में और रचनात्मक कार्यों को संगठित करने में हिंदी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। राष्ट्रीय और सामाजिक मंच पर लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद, महामना मालवीय, राजर्षि टंडन, महात्मा गांधी, दीवान बहादुर, टी विजय राघवाचार्य और श्रीनिवास अयंगार जैसे नेता, और केशव चंद्र सेन, डॉक्टर भंडारकर, शारदा चरण मिश्र और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे सामाजिक नेताओं ने अपने अपने मंच से हिंदी के बारे में उसको प्रबल किया, उसकी हिंदी का नाम प्रस्तावित किया, और 15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने पर संविधान परिषद ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 343 इस प्रकार स्वीकार किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 344 का जिक्र करूंगी, उसके अनुसार 5 वर्ष बाद 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया, और बहुत ही मेहनत, लगन और खोजबीन के बाद 449 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें 159 सिफारिशें थीं, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अखिल भारतीय प्रयोजनों के लिए भाषाई माध्यम स्पष्ट रूप से हिंदी है। अब मेरे मन में इस वक्त कुछ कविताएं, उसकी पंक्तियां मेरे जहन में आ रही हैं, जिसका मैं अवश्य ही जिक्र करना चाहूंगी। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, मौसम की बाहें, दिशा और राहें, हम सबसे चाहें सद्भावना। जब हर हृदय में, पराजय विजय में, हिंदी की लय हो साधना, गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। हिंदी का शिक्षण भारत के बाहर कई विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। हिंदी केवल अपनी सरसता, मधुरता, ओजस्विता आदि से ही विश्व को ही नहीं मोहित करती, बल्कि उसका विशाल प्राचीन साहित्य भी अपने गौरव का संकेत है। वह अपने भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय जगत को छुपाए हुए है। हिंदी भारतीय दर्शन के सिद्धांत सत्य, प्रेम, अहिंसा, विश्व करुणा, विश्व मैत्री और विश्व मानवता जैसे सर्व कल्याणकारी सिद्धांतों की वाहिका होने के कारण विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित होने की क्षमता रखती है। हिंदी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है, और भारत की भारती का ये एक रूप है। यहाँ पर बाकायदा पुस्तकों का पठन हो रहा है और सभी को इंतजार है। ये समारोह जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ विज्ञान भवन में मौजूद हैं, पुरस्कार विजेता भी मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी को बढ़ावा देने में जिन मंत्रालयों, जिन संस्थानों का उल्लेखनीय भूमिका रही, उन्हें इस अवसर पर पुरस्कृत किया जाता है।
और वहां के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं आज इस विज्ञान भवन में। संविधान के अनुच्छेद 343, जिसमें संघ की राजभाषा का जिक्र किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, इसका जिक्र है। इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तक और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे, और राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता, आपसी सद्भाव के लिए। आज इस मौके पर बस यही कहना चाहूंगी कि एक हिंदी ही संपर्क भाव है। संपर्क भाव जिसे कहा जा सकता है वो सिर्फ हिंदी है, और हिंदी का जो वट वृक्ष है बहुत बड़ा है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। तो जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं, इसकी जड़ों को खाद पानी दे रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी विकास यात्रा को सफल बना रहे हैं, संभव बना रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग जो जिनका बहुत उल्लेखनीय भूमिका रही है इस दिशा में, वो यहाँ पर आज आए हुए हैं और उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा इस खास अवसर पर। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज करोड़ों गरीब निरक्षर भाई बहन और जो लोग आर्थिक रूप से उनका स्तर बहुत नीचा है, वो उनके लिए हिंदी ही एक राष्ट्रभाषा हो सकती है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आज हिंदी न सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाहरी देशों में भी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई जाती है, एक विषय के रूप में लोग उसे लेते हैं और कई विद्यार्थी इसे लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, भारत की संस्कृति जो एक महान संस्कृति है, एक विरासत है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो कई सारे देश हैं, जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, चीन, इटली, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तो ये भारत की संस्कृति से रूबरू होने के लिए कई ग्रंथों का, रचनाओं का अनुवाद भी किया गया है। यहाँ पर हमारे दूरदर्शन की टीम मुस्तैदी से इसका पूरा कवरेज जो आप तक पहुंचता है दूरदर्शन के सहयोग से, आज यहाँ विज्ञान भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और कुछ ही देर में यहाँ पर माननीय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, माननीय राष्ट्रपति महोदया पधारेंगी। हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर 1949 के उस स्मरणीय और ऐतिहासिक दिन का याद आना बहुत ही स्वाभाविक है, जब देश के विशाल जनसमूह में हिंदी भाषा के प्रयोग और इस भाषा की संपन्नता को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था। यहाँ पर हिंदी के बहुत जो रचनाकार हैं, यहाँ पर कवि और लेखक, आज सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। फलस्वरूप राजभाषा नीति के जिस स्वरूप की संरचना हुई, वो संघीय, लोकतांत्रिक, संतुलित, समावेशीय, भाषा निरपेक्ष स्वरूप है। और यहाँ पर शुभागमन हुआ है गृह मंत्री श्री पी चिदंबरम का। और यहाँ पर राज्य मंत्री गण जो हैं, श्री एम रामचंद्रन और श्री जितेंद्र सिंह, यहाँ पर पधार चुके हैं।
गृह सचिव श्री आर के सिंह, गृह सचिव राजभाषा वीना उपाध्याय, और ये मंच दैदीप्यमान है सभी महानुभावों की उपस्थिति से। और राष्ट्रपति माननीय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का शुभागमन हो चुका है। डॉक्टर देवी सिंह शेखावत जी भी मौजूद हैं। नमस्कार। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आज हिंदी दिवस पर हमारे बीच हैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, महामहिम राष्ट्रपति जी के पति डॉ. देवी सिंह शेखावत, केंद्रीय गृह मंत्री श्री पी चिदंबरम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री एम रामचंद्रन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, गृह सचिव श्री आर के सिंह और राजभाषा विभाग सचिव श्रीमती वीणा उपाध्याय। हम आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी एवं मंचस्थ सभी गणमान्य महानुभावों से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर विधिवत समारोह का शुभारंभ करें। साथ ही स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे गीत एवं नाटक प्रभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कलाकार।
अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम। स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहे थे गीत एवं नाटक प्रभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कलाकार। 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस समारोह में राजभाषा के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले मंत्रालयों विभागों एवं कार्यालयों को श्रेष्ठ कार्य निष्पादन वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को हिंदी में उच्च कोटि के मौलिक पुस्तक लेखन हेतु तथा श्रेष्ठ गृह पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस बार प्रथम बार वैज्ञानिक और तकनीकी मंत्रालयों व विभागों के लिए पृथक से 2 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों के लिए 2-2 उत्कृष्ट पत्रिकाओं को कुल 8 पत्रिकाओं को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड प्रदान की जा रही है। इसका लक्ष्य विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को और प्रोत्साहित करना है। अब हम अनुरोध करते हैं गृह राज्य मंत्री माननीय श्री जितेंद्र सिंह से कि कृपया सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर शेखावत साहब, आदरणीय मुलीपुरी रामचंद्रन जी, गृह राज्य मंत्री, माननीय गृह सचिव जी, माननीय राजभवन विभाग के सचिव जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, देवी और सज्जनों, मैं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ। आपने समय की कमी के बावजूद भी हिंदी भाषा के सम्मान में यहाँ आकर हमें प्रेरणा दी है, इसके लिए हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर शेखावत जी को भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपनी विशेष उपस्थिति से हमें गौरव प्रदान किया है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा अपना मार्गदर्शन दिया है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किए जा रहे सभी पुरस्कार विजेताओं, अलग अलग मंत्रालय के विभागों के प्रतिनिधि तथा अधिकारियों को भी कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हिंदी भाषा को देश के उचित सम्मान दिलाने के लिए समय समय पर प्रयास किए जा रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। राजभाषा विभाग ने सरल तरीके से अपनी एक वेबसाइट बनाई है, जिसको नागरिकों ने काफी सराहा है। इसके साथ ही विभाग ने अपने का बजट 5.5 करोड़ से 20 करोड़ हुआ है। उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि राजभाषा संबंधी पदों का काम करने वाले अधिकारियों को पदोन्नति मिले। माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुबोधन से राजभाषा सेवा के समूह क में 112 नए पद बनाए गए हैं और समूह ख में 122 पद का उच्चीकरण हुआ है। मैं माननीय सदन से निवेदन करता हूं कि हिंदी के प्रचार प्रसार और इसे उचित स्थान दिलाने में लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। अंत में मैं सभी वरिष्ठ अधिकारियों से आशा करता हूं कि हिंदी समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णय प्रभावी रूप से लागू हों। मैं इस अवसर पर आज के समारोह के सभी पुरस्कार विजेता को मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि केंद्र मंत्रालय विभागों संगठनों और अधिकारी राजभाषा नीति के पालन करते हुए दैनिक कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करें। आप सब आज यहां पधारे, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।
श्री जितेंद्र सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर ये बताना प्रासंगिक होगा कि राजभाषा विभाग राष्ट्रीय स्तर के राजभाषा पुरस्कारों के अलावा मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त निकायों की अधीनस्थ इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 4 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन करके 130 से अधिक शील्ड प्रदान करता है। इन अवसरों पर विचार मंथन का आयोजन कर हिंदी के प्रभावी और व्यापक प्रसार की रणनीति पर भी विचार किया जाता है। अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि कृपया वर्ष 2009 और 10 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान करें। कृपया मंच के आगे आएं। साथ ही हमारा अनुरोध है गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम, गृह राज्य मंत्रीगण श्री एम रामचंद्रन तथा श्री जितेंद्र सिंह से कि कृपया वे भी मंच के आगे आएं। श्रेणी केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि को सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान करने हेतु वर्ष 1986-87 से इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 300 या उससे अधिक संख्या वाले मंत्रालयों, विभागों के लिए तथा 300 से कम संख्या वाले मंत्रालयों और विभागों के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। इनमें पुरस्कार स्वरूप इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सर्वप्रथम उन मंत्रालयों, विभागों को पुरस्कार जहां कार्मिकों की संख्या 300 या उससे अधिक है। 300 या 300 से अधिक की संख्या के मंत्रालय और विभाग प्रथम पुरस्कार रेलवे बोर्ड पुरस्कार ग्रहण करेंगे। रेलवे बोर्ड के सलाहकार डॉक्टर ए के निगम। द्वितीय पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव श्री टी सी आनंद। तृतीय पुरस्कार खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग पुरस्कार ग्रहण करेंगे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री गिरीश शंकर। तीन सौ से कम की संख्या के मंत्रालय विभाग प्रथम पुरस्कार श्रम मंत्रालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे। श्रम मंत्रालय के अपर सचिव श्री रवि माथुर। द्वितीय पुरस्कार विधायी विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे। विधायी विभाग के सचिव श्री वी के भसिन। तृतीय पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव श्री राजीव टकरू। वैज्ञानिक तकनीकी मंत्रालयों तथा विभागों को पुरस्कार। इस बार प्रथम बार वैज्ञानिक व तकनीकी मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में वैज्ञानिक और तकनीकी मंत्रालयों व विभागों के लिए पृथक से 2 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इनका लक्ष्य विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को और प्रोत्साहित करना है। प्रथम पुरस्कार आयुष विभाग पुरस्कार ग्रहण करेंगे। आयुष विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर देवदत्त शर्मा। द्वितीय पुरस्कार अंतरिक्ष विभाग पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अंतरिक्ष विभाग के संयुक्त सचिव श्री ए विजय आनंद। ख
ख श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भाषाई दृष्टि से क ख व ग क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्ष 2009 और 10 के पुरस्कार। क क्षेत्र प्रथम पुरस्कार एनएचपीसी लिमिटेड फरीदाबाद। पुरस्कार ग्रहण करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड फरीदाबाद के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ABL श्रीवास्तव। द्वितीय पुरस्कार फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड भिलाई। पुरस्कार ग्रहण करेंगे फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री एंटनी चाको। तृतीय पुरस्कार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ऋषिकेश। पुरस्कार ग्रहण करेंगे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री RST शाही। ख क्षेत्र प्रथम पुरस्कार भारतीय कपास निगम लिमिटेड नवी मुंबई। पुरस्कार ग्रहण करेंगे भारतीय कपास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री BK मिश्र। द्वितीय पुरस्कार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड मुंबई। पुरस्कार ग्रहण करेंगे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरविंद मेहता। तृतीय पुरस्कार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई। पुरस्कार ग्रहण करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुबीर राय चौधरी। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। पुरस्कार ग्रहण करेंगे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री AP चौधरी। द्वितीय पुरस्कार HLL लिमिटेड तिरुअनंतपुरम। पुरस्कार ग्रहण करेंगे HLL लिमिटेड तिरुअनंतपुरम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री M अय्यप्पन। तृतीय पुरस्कार दामोदर घाटी निगम कोलकाता। पुरस्कार ग्रहण करेंगे दामोदर घाटी निगम कोलकाता के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री RN सेन। ग श्रेणी भारत सरकार के बोर्ड स्वायत्त निकाय ट्रस्ट सोसाइटी आदि को वर्ष 2009 और 10 के पुरस्कार। क क्षेत्र प्रथम पुरस्कार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। पुरस्कार ग्रहण करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के निदेशक प्रोफेसर KK मिश्र। द्वितीय पुरस्कार दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। पुरस्कार ग्रहण करेंगी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की महानिदेशक डॉक्टर अंजना चट्टोपाध्याय। तृतीय पुरस्कार भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली। पुरस्कार ग्रहण करेंगे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के निदेशक श्री KT चाको। ख क्षेत्र प्रथम पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास नवी मुंबई। पुरस्कार ग्रहण करेंगे जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के अध्यक्ष श्री L राधाकृष्णन। द्वितीय पुरस्कार भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान नवी मुंबई। पुरस्कार ग्रहण करेंगी भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान की निदेशक प्रोफेसर मीता राजाराम। तृतीय पुरस्कार भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे। पुरस्कार ग्रहण करेंगे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष श्री DJ नारायण। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार नारियल विकास बोर्ड कोचीन। पुरस्कार ग्रहण करेंगे नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर TK जोस।
द्वितीय पुरस्कार केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोचीन पुरस्कार ग्रहण करेंगी। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोचीन की सहायक निदेशक राजभाषा श्रीमती शीला पीजे। तृतीय पुरस्कार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोचीन पुरस्कार ग्रहण करेंगे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निदेशक श्री पी मोहन सुंदरम। घ श्रेणी राष्ट्रीयकृत बैंकों को वर्ष 2009-10 के पुरस्कार, इसके अंतर्गत प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के अतिरिक्त 3 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार इलाहाबाद बैंक पुरस्कार ग्रहण करेंगे इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जेपी दुआ। द्वितीय पुरस्कार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पुरस्कार ग्रहण करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम वी नायर। तृतीय पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक पुरस्कार ग्रहण करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री राकेश सेठी। प्रोत्साहन पुरस्कार केनरा बैंक पुरस्कार ग्रहण करेंगे केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस रामन। प्रोत्साहन पुरस्कार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पुरस्कार ग्रहण करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम वी टांकसाले। प्रोत्साहन पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा पुरस्कार ग्रहण करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री बी बी गर्ग। महामहिम राष्ट्रपति जी का पुरस्कार वितरण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब गीत एवं नाटक प्रभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भाषा की वंदना करते दो गीत। पहले प्रस्तुत है जिसने जन जन का रूप तराशा है मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। भाषा है मेरी भाषा हिंदी भाषा सब।
देश की अमर बेल है, ये है मेरी भारती, ये पूजा है स्वतंत्रता की, नूतन युग की आरती, ये हम सबका नव जीवन है, ये हम सबकी आशा है, ये हम सबका नव जीवन है, ये हम सबकी आशा, मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है, मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। Thank you.
कबीर की वाणी से, तुलसी के वंदन शब्द बने शब्दों के अर्थ बने, वे हिंदी है, वे हिंदी है, वे हिंदी है। जो बात आए होठों पर जो थिरक जाए, वह हिंदी है, वह हिंदी है, वह हिंदी है। प्रस्तुत कर रहे थे गीत एवं नाटक प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कलाकार। और अब हम पुनः अनुरोध करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि कृपया वर्ष 2009 और 10 के शेष इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान करें। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए 4 नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। 40,000 रुपये का प्रथम, 30,000 रुपये का द्वितीय, 20,000 रुपये का तृतीय पुरस्कार और 10,000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार।
ये पुरस्कार केंद्रीय सरकार के कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिए जाते हैं। इस वर्ष इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के लिए कोई भी प्रविष्टि उपयुक्त नहीं पाई गई। द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर रेखा व्यास को उनकी पुस्तक समय प्रबंधन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी पुस्तक की लेखिका डॉक्टर रेखा व्यास। तृतीय पुरस्कार श्री राजेंद्र को उनकी पुस्तक कराधान की प्रमुख अवधारणाएं के लिए दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं पुस्तक के लेखक श्री राजेंद्र। प्रोत्साहन पुरस्कार संयुक्त रूप से चार लेखकों डॉक्टर एस एम एच कादरी, डॉक्टर सुरेंद्र दत्त शर्मा, डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा और डॉक्टर गंगेश बहादुर सिंह को उनकी पुस्तक शहतूती रेशम उत्पादन एक पारी अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक ग्रामीण उद्यम के लिए दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के चारों लेखक डॉक्टर एस एम एच कादरी। डॉक्टर सुरेंद्र दत्त शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र दत्त शर्मा, डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा, और डॉक्टर गंगेश बहादुर सिंह। और अब राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार। आधुनिक ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर हिंदी में उच्च कोटि के साहित्य सृजन हेतु मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2004 और 5 से राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन नकद पुरस्कार योजना भी चलाई जा रही है। अब वर्ष 2009 और 10 के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत इस वर्ष प्रथम व द्वितीय पुरस्कार के लिए कोई प्रविष्टि उपयुक्त नहीं पाई गई। प्रोत्साहन पुरस्कार कुल 5 पुस्तकों को दिए जा रहे हैं। तृतीय पुरस्कार श्री अमित कुमार सिंह को उनकी पुस्तक भूमंडलीकरण और भारत परिदृश्य और विकल्प के लिए दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री अमित कुमार सिंह। प्रोत्साहन पुरस्कार श्री अरुण कुमार शर्मा को उनकी पुस्तक जैविक खेती नई दिशाएं के लिए दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री अरुण कुमार शर्मा। प्रोत्साहन पुरस्कार डॉक्टर केपी सिंह को उनकी पुस्तक राज्य की अभिरक्षा और मानवाधिकार के लिए दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक डॉक्टर केपी सिंह। प्रोत्साहन पुरस्कार श्री श्याम माथुर को उनकी पुस्तक वेब पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री श्याम माथुर। प्रोत्साहन पुरस्कार डॉक्टर ए के पांडे एवं डॉक्टर मेजर सिंह को उनकी पुस्तक दलहनी सब्जियां के लिए दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर ए के पांडे और डॉक्टर मेजर सिंह। प्रोत्साहन पुरस्कार श्री अनुराग चौबे एवं डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला को उनकी पुस्तक कंप्यूटर एवं सूचना प्रबंध के लिए दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं लेखक श्री अनुराग चौबे और डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुरस्कार क क्षेत्र
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जयपुर बैंक पुरस्कार ग्रहण करेंगे। समिति के अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बड़ौदा अंचल कार्यालय के महाप्रबंधक श्री अनिमेश चौहान। ख क्षेत्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बड़ौदा बैंक पुरस्कार ग्रहण करेंगे। समिति के अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री आर के सिन्हा। ग क्षेत्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बेंगलुरु कार्यालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे। समिति के अध्यक्ष एवं केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष एवं महानिदेशक श्री एन मुरुगेशन। गृह पत्रिका पुरस्कार इस वर्ष से इस श्रेणी में वैज्ञानिक और तकनीकी मंत्रालयों अथवा विभागों से प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं के लिए अलग से दो पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। इस श्रेणी में वर्ष 2010 और 11 के लिए कुल 8 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रत्येक भाषाई क्षेत्र यथा क, ख और ग में दो दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वे दो वैज्ञानिक व तकनीकी गृह पत्रिकाओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। क क्षेत्र प्रथम पुरस्कार एयर इंडिया नई दिल्ली की गृह पत्रिका विमानिका पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। एयर इंडिया नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री रोहित नंदन। द्वितीय पुरस्कार विदेश मंत्रालय की गृह पत्रिका भारत संदर्श पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अनूप मुद्गल। ख क्षेत्र प्रथम पुरस्कार पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय मुंबई की गृह पत्रिका रेल दर्पण पुरस्कार ग्रहण करेंगे। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री आर सी अग्रवाल। द्वितीय पुरस्कार भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग चंडीगढ़ की गृह पत्रिका अंकुर पुरस्कार ग्रहण करेंगे। भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग चंडीगढ़ के महालेखाकार श्री अजायब सिंह। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई की गृह पत्रिका वाणी पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम नरेंद्र। द्वितीय पुरस्कार भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग तिरुवनंतपुरम की गृह पत्रिका सविता पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग तिरुवनंतपुरम के प्रधान महालेखाकार श्री जी एन सुंदर राजा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगठन प्रथम पुरस्कार भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून की गृह पत्रिका विकल्प पुरस्कार ग्रहण करेंगे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के निदेशक डॉक्टर मधुकर ओंकार नाथ गर्ग। द्वितीय पुरस्कार एनटीपीसी लिमिटेड की गृह पत्रिका विद्युत स्वर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक मानव संसाधन श्री शैलेंद्र पाल सिंह। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय गृह मंत्री एवं गृह राज्य मंत्रियों का पुरस्कार वितरण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब समारोह के अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री श्री पी चिदंबरम से हम अनुरोध करते हैं कि हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय डॉक्टर देवी सिंह शेखावत जी, मेरा सहयोगी श्री मुल्लपल्ली रामचंद्रन गृह राज्य मंत्री, मेरा सहयोगी श्री जितेंद्र सिंह गृह राज्य मंत्री, सचिव राजभाषा विभाग,
केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और बैंकों के अधिकारी, विभिन्न पुरस्कारों के विजेता देवियों और सज्जनों, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने हिंदी दिवस पर हमारे बीच आने के निमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करते हुए गर्व अनुभव करता हूँ। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर में मनाया जाता है। It was on this historic day that our constitution makers decided to make Hindi the official language of the Union. The use of Hindi has played a vital role in harmonizing diverse cultural and linguistic elements and emergence of a united India. My colleague Sri Jitendra Singh, in his welcome address, has shared some of the recent positive developments for the cause of promotion and propagation of Hindi. We will carry these forward. We will augment our endeavors. We need to collectively deliberate on the various measures for ensuring wider use of Hindi in different parts of the country. The Honorable Prime Minister has also given the direction to formulate a strategy for the promotion and use of Hindi as our official language during the course of deliberations in the 30th meeting of the Kendriya Hindi Samiti held on 28th July this year. The quintessence of the expectations contained in the various provisions governing the official language policy is enshrined in Rule 12 of the Official Languages Rules 1976. The rule entrusts the responsibility for ensuring compliance of the provisions relating to the official language policy to the administrative heads of the central government offices. I urge all administrative heads to discharge their responsibilities in this regard. On the occasion of Hindi Divas, I call upon all of you to assign greater space to Hindi in our official work and implement the principle of cordial coexistence among various languages as has been envisaged in the Constitution and the Official Languages Act. इस अवसर पर मैं पुरस्कार विजेतों को बधाई देता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी राजभाषा नीति को लागू करने के लिए अपने प्रयासों को सच्चे मन से जारी रखेंगे। जय हिंद। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हिंदी ने देश की एकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है और सभी का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अपने शासकीय कार्यों में हिंदी को और अधिक स्थान दें। बहुत उपयोगी शब्दों में सभी को संबोधित किया गृह मंत्री जी ने। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अब आज के इस शुभ अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। श्री पी चिदंबरम जी, गृह मंत्री, डॉक्टर शेखर साहब, श्री एम रामचंद्रन गृह राज्य मंत्री, श्री जितेंद्र सिंह गृह राज्य मंत्री, श्री आर के सिंह गृह सचिव, सुश्री वीना उपाध्याय सचिव राजभाग भाषा विभाग, देवी और सज्जनों, हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन और हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
ये सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं मैं देती हूं इस अवसर पर, और आशा करती हूं कि आप सब भविष्य में भी राजभाषा हिंदी के प्रयोग और प्रचार और प्रसार में आपका योगदान देते रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि देश को औपनिवेशिकी ताकत से मुक्त करवाने के लिए सभी देशवासियों ने एकजुट होकर संघर्ष किया था। इस संघर्ष में हिंदी सहित अन्य सभी भारतीय भाषाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। तत्पश्चात स्वतंत्र देश की जन आकांक्षाओं के अनुरूप देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए। इस क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। गहन विचार विमर्श के उपरांत संविधान निर्माताओं ने हिंदी को इसके लिए उपयुक्त समझा और वर्ष 1949 में आज के ही दिन संविधान द्वारा हिंदी को संघ के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और न केवल हिंदी बल्कि देश की अन्य भाषाओं के व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए भी हम संकल्प लेते हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहां रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन और भाषा के स्तर पर अनेकता पाई जाती है। वास्तव में यह विविधता हमारी संस्कृति की विशिष्ट पहचान और अनेकता में एकता का प्रतीक है। भारत में लगभग 1700 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इस भाषाई परिवेश में हम सभी का यह दायित्व है कि हम सबसे पहले अपनी भाषाओं को समृद्ध करने का प्रयास करें, ताकि वे हमारी सामसिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सके। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राष्ट्रीय भाषाओं को स्थान दिया गया है और 4 भाषाओं को प्राचीन भाषाओं का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इन भाषाओं और उनके साहित्य के विकास तथा प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न अकादमियां और संस्थान स्थापित करके विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राजभाषा की हिंदी और इसके विकास के लिए खास तौर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए कार्यक्रम निर्धारित करता है और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। हमारे देश में श्रेष्ठ साहित्य की परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है। हमें इस परंपरा को बनाए रखना है। इसके लिए जरूरी है कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ज्ञान की विभिन्न विधाओं पर उच्च कोटि का साहित्य सृजित किया जाए। हमारे लेखकों में मेधा की कमी नहीं है और वे इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे बताया गया है कि राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों और विभागों द्वारा तकनीकी पुस्तकें हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही है। मैं लेखकों से आग्रह करूंगी कि वे तकनीकी विषयों पर सरल व सुबोध भाषा में पुस्तकें लिखें, जिससे कि ऐसा सामान्य पाठक भी इसको आसानी से समझ सके जिसे उस विषय की गूढ़ जानकारी नहीं है। देवियों और सज्जनों, उत्तम साहित्य सभी भाषा भाषियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति सभी भाषाओं का जानकार नहीं हो सकता। इसलिए अनुवाद के माध्यम से ही हम विभिन्न भाषाओं के साहित्य की जानकारी और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर भारतीय भाषाओं की विविधता के मामले में यह और भी जरूरी है। इसलिए हिंदी के उत्तम साहित्य का अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में और अन्य भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का अनुवाद हिंदी में करने के लिए कारगर योजना बनाई जानी चाहिए। मैं समझती हूं
कि पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के भारतीय भाषा विभागों के साथ तालमेल कर इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। इससे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सृजित साहित्य का आदान प्रदान व्यापक स्तर पर हो पाएगा। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य समावेशी विकास और समतामूलक समाज का निर्माण करना है। इसके लिए सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यह तभी संभव है जब इन योजनाओं का प्रचार और प्रसार अधिकतर लोगों द्वारा समझने जाने वाली भाषाओं में किया जा सके। हिंदी देश के अधिकांश भागों में बोली अथवा समझी जाती है, इसलिए वह इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में नित नए अनुसंधान हो रहे हैं, तरह तरह के सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हिंदी में कार्य करने के लिए सहयोग और सहायक सॉफ्टवेयर का निर्माण तेजी से करना जरूरी है। राजभाषा विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर हिंदी के कार्य करने में और करने के लिए हिंदी प्रशिक्षण, श्रुत लेखन तथा हिंदी अनुवाद जैसे बहुत से सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों को इनका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि यह सॉफ्टवेयर सर्वसाधारण को भी उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे हिंदी के उपयोग के तेजी में वृद्धि आ सके। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर हिंदी का पठन और पाठन हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान से विभिन्न देशों के बीच मैत्री भाव और आपसी समझ बढ़ती है और इसमें भाषाएं अपना बहुमूल्य योगदान कर सकती हैं। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह खुशी की बात है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 से अब हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए अच्छा प्रयास साबित होगा। हमें यहां याद रखना होगा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प, निष्ठा और समर्पण जरूरी है। इसलिए आइए हम आज हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अपना कामकाज करने और उनके विकास का संकल्प लें। सब हिंदी सीखें और उसका उपयोग करें। इसके अलावा प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संबंध में मुझे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक कथन याद आता है। उन्होंने कहा था, आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक एक दल, एक एक प्रांतीय भाषा और उसका साहित्य संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां, जिसमें सुंदर साहित्य की सृष्टि हुई है और अपने अपने प्रांत में रानी कर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि हिंदी भारती होकर विराजती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सुंदर आयोजन के लिए राजभाषा विभाग को बधाई देती हूं। मैं सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पुनः बधाई देती हूं तथा यहां उपस्थित हिंदी सेवियों और भाषाविदों को उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। महामहिम राष्ट्रपति जी ने सभी का अभिनंदन किया और कहा कि आजादी पाने के लिए हिंदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भारत विविधताओं का देश है, यही हमारी विशेष पहचान है। 1700 भाषा और बोलियां यहाँ बोली जाती है। हमारी कोशिश यही रहे कि सभी भाषाएं समृद्ध हों। हिंदी में लिखते हुए तकनीकी विषयों पर सरल और सुबोध भाषा में लिखें ताकि पाठक उसे आसानी से समझ सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है और अब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंत में जोर देकर उन्होंने सभी का आह्वान किया कि हिंदी में कामकाज करने का संकल्प लें। बहुत उपयोगी और सार्थक शब्दों में सभी को संबोधित किया महामहिम राष्ट्रपति जी ने। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अब सचिव राजभाषा विभाग श्रीमती वीणा उपाध्याय जी से हमारा अनुरोध है कि वे समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, श्रद्धेय डॉक्टर देवी सिंह राम सिंह शेखावत जी, माननीय गृह मंत्री जी, आदरणीय श्री मुलापल्ली रामचंद्रन जी गृह राज्य मंत्री, आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी गृह राज्य मंत्री, मेरे आदरणीय सहयोगी श्री आरके सिंह जी गृह सचिव, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हिंदी दिवस के पावन समारोह का वातावरण आप महानुभावों के आशीर्वचनों व प्रेरणाजनक शब्दों से अभिषिक्त हुआ है। हिंदी भाषा हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आदर्शों व मूल्यों की सशक्त संवाहनियों में प्रमुख है। यह देश के विशाल क्षेत्र में लोकतंत्र की रीढ़ है। यह जनसाधारण तक देश के कल्याणकारी कार्यक्रमों को पहुंचाती है, जैसा कि महामहिम ने कहा, व इस प्रकार समावेशीय सामाजिक व आर्थिक विकास का माध्यम है। यह समस्त भारतवर्ष के कलात्मक व मनोरंजन जगत की मुख्य भाषा है। यदि हिंदी भाषा को रोजमर्रा के जीवन में और विशेषकर युवा पीढ़ी में जीवंत रहना है तो उसे प्रयोग की भाषा के रूप में सरल, सहज और अधिक समावेशीय स्वरूप का बनना होगा। हमारी हिंदी भाषा को एक जननी की भांति प्रांतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के साथ सद्भावनाओं से युक्त सह अस्तित्व रखना होगा। हम महामहिम जी के आभारी हैं कि उन्होंने अपने अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों को रहते हुए हमारे मार्गदर्शन के लिए अपना मूल्यवान समय दिया। उनके आशीर्वचन हमें राजभाषा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए और प्रेरित करते हैं। हम श्रद्धेय डॉक्टर शेखावत जी के आभारी हैं जिनकी ओजस्वी उपस्थिति ने समारोह की गरिमा में अभूतपूर्व संवर्धन किया है। हम माननीय गृह मंत्री जी के कृतज्ञ हैं जो देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं की चुनौतियों की तात्कालिक व्यस्तताओं के बावजूद राजभाषा से संबंधित कार्यों के लिए सदा अपना मेधावी और अमूल्य मार्गदर्शन देते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय श्री मुलापल्ली रामचंद्रन जी का, गृह राज्य मंत्री जी का, जिनकी विशिष्ट उपस्थिति हमारे लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी का जो राजभाषा प्रसार को अभिनव दिशा दे रहे हैं व 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिंदी के और अधिक विस्तार हेतु अत्यंत उत्साह और उमंग से पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आभारी हूं गृह सचिव जी की जिन्होंने अनेक व्यस्तताओं के बावजूद हमारे आग्रह को स्वीकार कर अपनी गरिमा में उपस्थिति से हमें प्रोत्साहित किया है। इस अवसर पर मैं उन समस्त सहयोगी संस्थाओं का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस समारोह के आयोजन में परिश्रम पूर्वक सहयोग दिया। इनमें सूचना व प्रसारण मंत्रालय का DAVP, गृह मंत्रालय का प्रशासन प्रभाग, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों यथा केंद्रीय हिंदी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारी व कर्मी तथा राजभाषा विभाग के परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं। इस समारोह में कहे गए प्रेरणाजनक शब्दों को जनसाधारण तक पहुंचाने का श्रेय हमारे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को है।
हम दूरदर्शन व एनआईसी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस वर्ष उन्होंने कार्यक्रम का सीधा टेलीकास्ट और वेबकास्ट किया है। आकाशवाणी ने आज के हमारे संदेश को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया है। हम आपके आभारी हैं। हमारे विभिन्न सेवा प्रदाताओं की तत्पर सहायता के बिना समारोह का आयोजन संभव ही नहीं हो पाता। हमारे सेवा प्रदाताओं में दिल्ली पुलिस के सुरक्षा व ट्रैफिक प्रखंडों, सीपीडब्ल्यूडी के सिविल इलेक्ट्रिकल हॉर्टिकल्चर प्रभागों, गीत व नाटक डिवीजन के कर्मियों व कलाकारों, आईटीडीसी के अधिकारियों व कर्मियों तथा हमारे आज के कार्यक्रम की अति सक्षम संचालिका ने अत्यंत उल्लेखनीय सहयोग दिया है। हम इन सब के हृदय से आभारी हैं। अंत में मैं आज के पुरस्कार विजेताओं और इस कार्यक्रम के समस्त प्रतिभागियों के प्रति उनके राजभाषा हिंदी के प्रति अनुराग और निष्ठा के लिए आभार प्रकट करती हूं और आशा करती हूं कि हम सभी आने वाले समय में हिंदी की दीप श्रृंखला को और अधिक प्रज्वलित करेंगे। धन्यवाद। श्रीमती वीणा उपाध्याय का हम आभार व्यक्त करते हैं। हिंदी विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान कायम करें और हम सभी हिंदी भाषी होने का गौरव महसूस करें, इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम का हम यहां समापन करते हैं। अब होगा राष्ट्रगान, कृपया खड़े होकर उसमें अपना सहयोग दें। हिंदी भाषा की यात्रा वैदिक काल से, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश, फिर लोक भाषाएं और फिर खड़ी बोली। प्राचीन काल से आजादी की लड़ाई में हिंदी के कवि, लेखक और आज भी हिंदी की सेवा कर रहे मानुभाव भाषाविदों ने हिंदी की उड़ान को पंख दिए, परवाज दी और इसीलिए आज हिंदी विश्व भर में प्रतिष्ठापित है। हिंद देह है और हिंदी उसकी धड़कन, हिंद विचार है और हिंदी उसकी अभिव्यक्ति, हिंद पुरुषार्थ है और हिंदी उसकी संस्कृति। नमस्कार।